दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मॉडर्न एजुकेशन क्लासेस में। आज हम गुना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? गुना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जोड़ और घटाव सिखा दिया है, ठीक है ना, और इस वीडियो में मैं गुना सिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, गुना बनाने से पहले कुछ खास बात पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। किससे गुना करेंगे तो संख्या कितना आएगा ये मैं बता देता हूँ। जब भी कोई संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो उसका आंसर हमेशा ही जीरो आएगा, ठीक है ना। और जब भी कोई संख्या को दो हो, तीन हो, कुछ भी हो, उसको जब एक से गुना करेंगे तो हमेशा वह संख्या स्वयं प्राप्त होगा। जैसे कि ये पाँच है और पाँच को एक से गुना करेंगे तो पाँच ही प्राप्त होगा। और जीरो, मात्र जीरो एक ऐसा खतरनाक संख्या है, जीरो एक ऐसा खतरनाक संख्या है कि वो जिससे भी टकराता है ना उसको जीरो बना लेता है, उसको भी जीरो बना लेता है। जीरो बहुत डेंजरस नंबर है, जीरो इज द डेंजरस नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि कोई महान संख्या आ जाए, जैसे कि महान संख्या नौ आ गया ना, और इसको घमंड है कि मैं भाई नौ हूँ, कितना है नौ। अब जब ये जीरो से टकरा गया कहीं गुना के क्रिया में, ये जीरो से टकरा गया तो ये खुद भी जीरो बन के रह जाएगा, इसका घमंड यहाँ पे चूर चूर हो जाएगा। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि जब भी किसी संख्या को जीरो से गुना करेंगे तब वह संख्या जीरो में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। इसी बात पे एक बात कहना चाहेंगे, चाइना वालों ने टच वाला फोन बनाया, कोई बात नहीं। चाइना वालों ने टच वाला टीवी बनाया, कोई बात नहीं। चाइना वालों ने जहां तक कि टच वाला दरवाजा भी बना दिया, ये भी कोई बात नहीं। अब भी उसका मन नहीं भराया तो टच वाला बीमारी ही बना दिया। क्या किया? टच वाला बीमारी ही बना दिया, जिसके कारण हम लोग को अपने ही घर में एक जेल की भांति रहना पड़ रहा है। इसी प्रकार लॉकडाउन का पालन कीजिए और घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, ताकि हम जो पहले से पढ़ चुके हैं उसको ना भूले। ये कोरोना वायरस के वजह से हमारा जिंदगी खराब ना हो, ठीक है ना, इसलिए हम लोग को ऑनलाइन पढ़ते ही रहना है। फिर ये महामारी वाला बीमारी खत्म हो ही जाएगा, उसके बाद फिर तो अपना ही राज है। तो चलिए बिना किसी देरी के गुना बनाना सिखाते हैं। तो गुना के लिए जैसे कि कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे ये दो है और ये तीन और ये, इसको दो से गुना करना है। क्या चीज से? दो से गुना करना है, ठीक है ना। तो दो से गुना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सर्वप्रथम इसका कंसेप्ट जानते हैं। ऊपर में जितना रहेगा ना उतना का के पहाड़ा, यानी कि उतना के टेबल। ऊपर में जितना रहेगा उसका टेबल, नीचे में जितना रहेगा ना उतना बार पढ़ना होता है। और उसके उपरांत ऊपर वाला टेबल नीचे जितना बार पढ़ने के उपरांत जितना संख्या आता है उतना हमारा आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तीन के टेबल हम दो बार पढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाला का टेबल नीचे जितना रहता है उतना बार पढ़ना रहता है। टेबल बोले तो पहाड़ा, कुछ लोग खोरहा भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो चलिए तीन का पढ़ते हैं। तीन का को दो बार ना पढ़ना है, तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छ। यहाँ पे हमारा तीन का के दो बार पढ़ने पे कितना रहा है? छ आ रहा है। तो आंसर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? छ हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर यहाँ पे छ हो जाएगा। उसी प्रकार अब इसको पढ़ना है, तो सर्वथा हम लोगों को यह चीज याद करके रखना है कि जब भी जोड़ घटाओ गुना कुछ भी बनाएंगे, वाट एवर जो भी हो, जोड़ घटाओ गुना कुछ भी हो, तब जब भी बनाएंगे तब उसको इधर से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि दाएं तरफ से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो सोल्व करते हुए बाएं तरफ की ओर आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम तीन का पहाड़ा, यानी कि तीन के टेबल दो मरते पढ़े तो छो आया, तो छो आया तो छो यहाँ पे हम आंसर लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद कितना है? दो। तो इसका टेबल, यानी ऊपर में जितना रहेगा ना उतना का के टेबल, नीचे में जितना रहेगा उतना बार पढ़ना होगा। यदि हम उतना बार पढ़ेंगे तो हमारा गुना का क्रिया संपूर्ण होगा, ठीक है ना। तो ऊपर में कितना है? दो, और नीचे में दो। तो दो का के दो बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? दुक्का दू, दो दुनी चार, दो दुनी के कितना होता है? चार। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा? चार। तो छोटा मोटा गुना हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो अंक आ गया, यहाँ पे दो अंक आ गया, और पिछले गुना में, यानी कि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें एक अंक ही था, तो वो एक अंक का गुना था और ये दो अंक का गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अंक का गुना किस तरह से बनता है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या बताते थे? जैसे कि बताए थे कि कोई भी जोर हो, घटाव हो, गुना हो, वट एवर जो भी हो, उस सबको जब भी सोल्व करना स्टार्ट करेंगे किधर से? दाई तरफ से। तो हमारा दाएं तरफ इधर है कि उधर है?
तो हमारा दाएं तरफ इधर है, ठीक है ना। आपका भी दाएं तरफ जिधर पड़ेगा उधर से स्टार्ट करना है और बाएं तरफ की ओर बनाते हुए आना है। हमारा दाएं तरफ इधर है तो इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर से बनाते हुए बाएं तरफ की ओर आएंगे, ठीक है ना। एरो का निशान समझने के लिए दिया है, ऐसा एरो के निशान दिया नहीं जाता, ठीक है ना। तो क्या बताए थे, कंसेप्ट क्या था कि ऊपर में जितना रहेगा उतना का के पहाड़ा यानी कि उतना का टेबल, जितना नीचे रहेगा उतना बार पढ़ना होता है, ठीक है ना। यही ना कंसेप्ट था। तो ऊपर में कितना है, तीन। ऊपर में कितना है, तीन। तो तीन का के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जितना नीचे रहेगा। तो नीचे दो अंक है, दो अंक है ना। तो यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी सोल्व करना स्टार्ट करेंगे हमेशा दाएं तरफ की ओर से, दाएं तरफ वाला सबको पहले दाएं तरफ से गुना कर देंगे, फिर बाएं तरफ में यानी कि इसके बाद जो भी अंक है उसको सबसे गुना करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको यानी कि इसको इस सब को जब इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। और फिर जब इस सब को इससे गुना करेंगे तो फिर कुछ संख्या प्राप्त होगा। तो दोनों संख्या क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, और जोड़ने के उपरांत यानी जोड़ने के पश्चात जो भी हमारा संख्या यहाँ पे प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा दो अंक के गुना का। तो देखिए दो अंक का गुना किस प्रकार बनता है, ठीक है ना। तो ऊपर में कितना है, तीन। तो तीन के टेबल यानी तीन के पहाड़ा को नीचे कितना है, दो। तो दो बार पढ़ेंगे तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, कितना रहा है छह। तो यहाँ पे हम छह लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको तो इससे पढ़ लिया, अब इसके बाद क्या है छह, इसके बाद क्या है छह। तब छह, छह यानी कि छह के टेबल यानी छह के पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे, सबको पहले इतना बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस सबको पहले इतना बार पढ़ेंगे फिर सबको इतना बार पढ़ेंगे। तो देखिए किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे छह है तो छह के पहाड़ा कितना बार पढ़ना होगा, दो बार, यानी कि छह एकम छह, छह दूनी के बारह। तो यहाँ पे बारह यानी कि दो अंक हो गया, यहाँ पे दो अंक हो गया ना। तो बारह के बारह तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बारह के बारह लिख देंगे तब तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो बारह के कितना लिखाएगा, जैसे जोर में लिखते थे ना, बारह के दाएं तरफ वाला अंक जितना रहता था बारह के दो लिखाएगा और हाथ में बजाएगा एक। यहाँ पर भी हासिल का क्रिया आ गया, ठीक है ना। तो जैसा कि जोर में लिखते थे दाएं तरफ वाला अंक और बाएं तरफ की ओर वाला अंक को हासिल मानते थे यानी पंचा मानते थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। तो हम जब छौका के पहाड़ा को इतना मरतबे यानी दो मरतबे पर है तो बारह आया, तो बारह के कितना लिख देंगे, दो। बारह के क्या लिखा जाएगा, दो। तो दो यहां से मिट गया यानी कि दो लिखा गया, ठीक है ना। अब इसके बाद कितना है और इसको मान लेंगे हासिल यानी कि पंचाई, पंचा कितना बच गया हमारा, जितना भी यहाँ पे अंक रहेगा वो हमारा पंचा बच जाएगा यानी कि हासिल बच जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हासिल कितना रह गया, एक, ठीक है। अब जब इसका क्रिया हो गया, इसका क्रिया हो गया, तो किसका क्रिया बाकी है, इसका। इसके बाद इसका नंबर ना है, तो इसको कितना बार पढ़ेंगे, इतना बार, यानी कि इसको चार को दो बार पढ़ना, चार का के टेबल के, चार का के टेबल यानी कि चार का के पहाड़ा को दो मरतबे पढ़ना, चूंकि यहाँ पे दो है और दो से गुना करना है, मल्टीप्लाई दो से करना है, ठीक है ना। तो जब चार का के दो मरतबे पढ़ेंगे तो कितना आएगा, चार एकम चार, चार दुनी के आठ, चार दुनी के आठ। और एक हासिल वाला जो है उसको क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है, ऐड करना बोले तो जोड़ना रहता है। जब आठ में चार दुनी के आठ और आठ में जब एक बाकी जो था पंचा हासिल उसको जोड़ देंगे तो आठ है एक हासिल वाला मिलके कितना हो जाएगा, नौ। यहाँ पे जोर का क्रिया हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि जब भी कोई पंचा रहेगा यानी हासिल बचेगा तो उसके अगला संख्या से गुना करने के बाद जितना भी संख्या प्राप्त होगा उसमें जो हासिल बचेगा उसको ऐड करना होता है। तो यहाँ पे चार का के दो मरतबे पढ़े तो आठ आया और जो हासिल हमारा बचा हुआ था कि वो कितना था, एक था। तो आठ में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, नौ। तो यहाँ पे हमारा आंसर नौ लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब चार के पश्चात क्या है यानी कि चार के बाद कितना है, दो है और नीचे भी कितना है, दो है। यानी कि यहाँ स्पष्ट होता है कि दुक्का के टेबल को दो बार पढ़ना है, ठीक है ना। तो दुक्का के टेबल पढ़ते हैं, दो एकम दो, दो दुनी के चार, यहाँ पे कितना हो रहा है चार। तो चार के चार यहाँ पे लिखा जाएगा, इसमें कोई पंचा वैचा नहीं जुटेगा क्योंकि जो हमारा हासिल यहाँ पे बाकी था पंचा पूर्व से, यानी कि इसमें जो एक पंचा बचा था वो हमारा इसमें जोड़ा गया है और जोड़ने के उपरांत हमारा एक भी हासिल उसिल नहीं बचा, इसलिए जितना यहाँ पे गुना करने पे आया हमारा उतना हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए अब सबको इससे गुना करेंगे यानी कि जितना भी संख्या ऊपर में दिख रहा है सबको इतना बार पढ़ेंगे, उसके उपरांत जितना आएगा उस दोनों को जोड़ के हमारा आंसर होगा। तो देखिए आगे किस तरह से बनता है। तो फिर भी हम फिर इधर से ही स्टार्ट करेंगे, इधर से ही बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसका क्रिया खत्म ना हो गया तो इसको भूल जाइए, फिलहाल इसको अब भूल जाइए, ठीक है ना।
अब सबको इतना मरतबे पढ़ना है। तो तीन कितना है, ऊपर में तीन और नीचे में तीन, यानी कि तिनका के टेबल को यानी कि तिनका के पहाड़ा को तीन मरतबे ही पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं, तीन एकम तीन, तीन दूनी के छ, तीन तियाई नौ। तो हमारा यहाँ पे कितना लिखा है, नौ, कितना लिखा है नौ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम एक संख्या क्यों छोड़ दिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का नियम है कि यहाँ पे एक संख्या छोड़ा ही जाता है, ठीक है ना। जितना मरतबे हम इस संख्या को इधर की ओर बढ़ाते जाएंगे उतना अंक इधर से छूटते जाएगा। इनका के टेबल को तीन से मल्टीप्लाई किए, तीन से गुना किए तो हमारे यहाँ पे नौ आया, कितना आया नौ। अब तीन के बाद कितना है छ, तो छ के टेबल के कितना बार पढ़ना है, तीन बार। इससे तो पढ़ चुके हैं ना, इसलिए इसको भी भूल जाइए, इसको भी याद नहीं रखिए, अब इससे पढ़िए। तो छ का के टेबल को तीन मरतबे पढ़ना है ना। तो चलिए पढ़ते हैं, छ एकम छ, छ दुनी के बारह, छतरी अठारह। अब यहाँ पे भी दो अंक की संख्या आ गया, तो सर्वप्रथम यहाँ पे हम दो अंक की संख्या जो संख्या प्राप्त हुआ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जैसे कि पैंचा में लिखते थे क्या, अठारह के आठ, हाथ में एक, इधर वाला लिखा जाता था, दाएं तरफ की ओर वाला संख्या लिखा जाता था और बाएं तरफ की ओर वाला संख्या हमारा हासिल बच जाता था, यानी कि पैंचा बच जाता था। तो चलिए यहाँ पे जब छौका के तीन मरतबे पढ़े तो अठारह आया, तो अठारह के कितना लिख देंगे आठ, और हासिल हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पे एक, हासिल हमारा कितना बच गया एक। अब चलिए छह के बाद कितना है चार, तो ऊपर में चार है नीचे में तीन है, ये फिलहाल अभी कुछ नहीं है, इससे सबको गुना कर दिए इसलिए इसको भी भूल जाना है, अब इससे सबको गुना करना है, ठीक है ना। तो ऊपर में चार है और नीचे में तीन है, तो चार का के टेबल को जब तीन मरतबे पढ़ेंगे तो कितना आता है देखते हैं। तो चार एकम चार, चार दुनी के आठ, चार तियाई बारह, यहाँ पे भी बारह आ गया, कितना आ गया बारह। और एक हासिल जो बचा हुआ था यानी एक जो पैंचा बचा हुआ था उसको क्या करने के लिए बताए थे, ऐड करने के लिए बताए थे, किसमें, जो हमारा चार का तीन मरतबे पढ़ने के बाद आया उसमें, यानी कि 12 आया ना, तो 12 में एक हासिल वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे समस्या और गंभीर हो गया, कितना आ गया 13। अब समस्या गंभीर आ गया तो समस्या का सोल्यूशन तो करना ही है ना। तो 13 के यहाँ पे फिर पंचा के तरह ही बनेगा, 13 के तीन और हासिल एक, जब तीन यहां से यहां से हटके यहां गया तो यहाँ पे सिर्फ एक बच गया ना, तो फिर हमारा हासिल कितना रह गया, अभी भी एक, अभी भी हमारा हासिल है। अब इसका क्रिया हो गया, अब इसका क्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो ये दो है और नीचे में तीन है, यानी दुक्का के टेबल को, दुक्का के पहाड़ा को तीन मरतबे पढ़ना है। तो दो एकम दो, दो दुनी चार, और द्वितीय छ, जब दुक्का को तीन मरतबे पढ़े तो कितना आया छ, और हासिल कितना बचा हुआ था, हासिल कितना था एक ना, हासिल यहाँ पे एक था। तो जब छह में हासिल वाला एक पहले से था वो जोड़ देंगे तो छह और एक मिलके कितना हो जाएगा सात, तो हमारा आंसर यहाँ पे सात लिखा जाएगा। अब यहाँ से ऐसे कर देना, इसके नीचे मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देना, यानी कि कुछ नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। अब इस दोनों के बीच क्या करना है, इस दोनों के बीच योग करना है, योग बोले तो जोर, जोर बता थे ना, एड बता थे ना, सबको एक साथ करना पड़ता था, वही क्रिया यहाँ पे करना होगा, तब जाके हमारा ये दो अंक के गुना सक्सेस हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए छ है और छ के नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस के निशान मतलब कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो छ में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा छ हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में कितना है दो और नीचे में नौ, तो नौ और दो कितना होता है, आप लड्डू के माध्यम से गिन के बता सकते हैं, ऊपर में दो है तो दो लड्डू बना लीजिएगा और नीचे में नौ है तो नौ लड्डू बना लीजिएगा, उसके बाद जितना भी लड्डू है सबको एक साथ गिन लीजिएगा, ठीक है ना। तो जब दो लड्डू और नौ लड्डू को एक साथ करेंगे तो टोटल हमारा 11 लड्डू आएगा, कितना लड्डू आएगा 11, 11 हमारा ऐसे लिखा था, 11 ऐसे लिखा था ना। तो यहाँ पे जब हम क्या बताते कि दो संख्या को जोड़ने पर जब दो अंक की संख्या प्राप्त होता है तो एक संख्या को लिखते हैं और एक संख्या को पैंचा मान लेते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 11। तो क्या बताते कि दाएं तरफ वाला संख्या लिखा जाता है और बाएं तरफ वाला संख्या पैंचा रह जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे 11 के एक लिखा जाएगा और हासिल एक बच जाएगा, यानी कि पैंचा एक बच जाएगा। अब अगला को जोड़ते हैं, आगे कितना है 9 और 8, तो 9 और 8 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 17 होगा, 9 और 8 जोड़ने पर 17 होता है, और 17 में एक पैंचा वाला जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 18 के कितना लिखाएगा दो अंक की संख्या ना प्राप्त हुआ जोड़ने पर, तो दो अंक की संख्या प्राप्त होते पैंचा वाला जोड़ के तरह बनेगा। तो यहाँ पे 18 के दाएं तरफ वाला कितना है 8, तो 18 के कितना लिखा जाएगा 8, और 8 यहाँ से लिखा गया यहाँ, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा।
और हासिल कितना रह गया, फिर भी अभी भी हासिल एक बचा हुआ है, ठीक है ना। इसका क्रिया हो चुका है, अब इसका है बाकी, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। ऊपर में कितना है, चार, और नीचे में तीन। जब चार और तीन को जोड़ेंगे तो कितना होगा, चार और तीन को जोड़ने पर हमारे पास सात हो जाता है। कितना हो जाता है, सात, ठीक है ना। और एक हासिल भी तो है ना, तो सात में जब एक हासिल वाला यानी पंचा वाला जोड़ देंगे तो सात और एक मिलकर कितना हो जाएगा, आठ। यहाँ पे आठ लिखा जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, सात। कितना है, सात। और ऊपर में कुछ नहीं, ऊपर में कुछ नहीं मतलब शून्य मान लेंगे, कुछ नहीं रहेगा मतलब शून्य मान लेंगे, ठीक है ना। तो सात में जीरो जोड़ेंगे तो कितना होगा, सात ही होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना लिखा जाएगा, सात। यही हमारा आंसर हुआ दो अंक के गुना का, ठीक है ना। तो इस तरह से हम गुना बना सकते हैं। तो जन्नत मेरी।